हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम क्लासिक्स एनसीईआरटी की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद सन का चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 4 है दी ओल्ड क्लॉक शॉप, एक पुराने क्लॉक की शॉप के बारे में है। स्टोरी है इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप। क्रिसमस ईव यानी कि आज, जैसे अगर आज क्रिसमस है जो बीत गया कल, उसकी इवनिंग का टाइम यानी क्रिसमस से एक दिन पहले जो इवनिंग की टाइम होती है उसे क्रिसमस ईव बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिसमस ईव था और दुकानों के बंद होने का टाइम हो चुका था। रेस ओल्ड क्लॉक शॉप स्टिल, जो रेस की ओल्ड क्लॉक की शॉप थी वो अभी भी ओपन थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर, दो शॉपर्स थे कॉल एट दिस लेट आवर, जो कि होता है ना शॉपर्स यानी जो एकदम जो शॉपिंग करके जाते हैं, तो इस टाइम में भी दो शॉपर आए हुए थे। क्रिसमस ईव हैड अराइव, क्रिसमस ईव आ चुका था। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, अ थिक व्हाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। एज लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम, जब एकदम लास्ट मिनट जब शॉपर्स घर पे जा रहे थे, तो एक थिक व्हाइट शीट ऑफ स्नो साल्ट लेक सिटी यूएसए पे पड़ी हुई थी, यानी स्नो पड़ी हुई थी। ठीक है, स्नो की एक लेयर जम गई थी। एट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, बट फिर भी अभी भी लाइट जो है जल रही थी ओल्ड क्लॉक शॉप में। एज रे इट्स ओल्ड, डीप ओनर, डीप मतलब बहरा, ठीक है, जिनको सुनाई नहीं देता। व्हाट ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, तो क्या था कि जैसे इस टाइम क्रिसमस का ये था, लास्ट मिनट सारे शॉपर्स घर जा रहे थे, एक थी व्हाइट शीट स्नो जो है साल्ट लेक सिटी यूएसए पे पड़ी थी, बट एक दुकान थी जहाँ पे ओल्ड क्लॉक की शॉप थी जहाँ पे अभी भी लाइट जल रही थी, यह रे की शॉप थी जो कि एक बहुत ही पुरानी शॉप थी। रे डीप ओनर था यानी एक बहरा ओनर था उस दुकान का। वर्क ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, वह एक क्लॉक सोल्ड किया था उस दिन, उसी दिन सोल्ड किया था और उस पर कुछ काम कर रहा था। आगे क्या होता है, हैविंग फिनिश हिज वर्क, अपना काम फिनिश करके रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम वेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। तो एक्चुअली क्या किया था, जैसे ही काम उसने फिनिश किया तो रे जो है वहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, जैसे उधर खड़ा हुआ एक बहुत ही ठंडी हवा उधर से बाहर से आई और इसके नेक पे फील हुआ इसको, तो वापस आ गया रूम में, वापस आ गया। ठीक है, ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, बट हिज ओल्ड वाइज आई टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, वह लास्ट मिनट शॉपर से मिला, लास्ट मिनट शॉपर यानी एकदम लास्ट कस्टमर था, एकदम लास्ट मिनट जो आया था। बट हिज जो उसकी ओल्ड वाइज आइज थी उसको बताती हैं कि यह एक शॉपर नहीं था, कौन जो आए थे शॉपिंग के लिए। ही saw टू मैन, वन इन हिज 20s, द अदर क्लोजर टू 50। उसने दो आदमी को देखा, एक तो 20 years का था, द अदर क्लोजर टू 50। क्लोजर टू 50 मतलब लगभग 50 साल के आसपास का था। द यंगर मैन रिमेन एट द डोर, जो यंगर मैन था यानी जो 20 साल का था लगभग, वो डोर पे ही खड़ा था। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, जो ओल्डर मैन था वो काउंटर पे अप्रोच करता है, उसके आंखों में फ्रेंडलीनेस का या दोस्ती का कोई भी साइन नहीं था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटपैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। तो रे अपने डर को, जो उसके मन में डर जो ग्रो हो रहा था, उसको हाइड करने में समर्थ हुआ और उसने धीरे से एक नोटपैड और एक पेंसिल काउंटर पे उसके सामने सरकाया। ठीक है, ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस, और अनफ्रेंडली फेस पे वह स्माइल किया, कौन, ओनर जो था। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और उसके टाइप उसके साइड ईयर करते हुए, एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपना सर जो था साइड टू साइड हिलाया उसने। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैंस फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड, अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैंस फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड। जैसे उस आदमी ने नोट पैड को पढ़ा, उसके बाद एक आश्चर्यजनक पूर्वक उसका उसके चेहरे का फेस, या सॉरी उस आदमी के का चेहरा ही बदल गया। देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, देन उसके बाद वह मुड़ा और अपने फ्रेंड से कुछ बोला। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, जैसे वो मुड़ा उसके बाद रे ने उस चांस का यह मौका देखा और उसने क्लोजली उस मैन के साइड देखा। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ जेस्टलेस हैंड इन द मैंस राइट कोट पॉकेट, तो उसने देखा कि क्या देखा, तो ध्यान उसके साइड देखा कि एक गन उसके उसके मतलब हाथ में एक गन है, शेप ऑफ अ गन, ठीक है,
मतलब उसे एक गन जैसी दिख रही थी, अंडर रेस्टलेस हैंड इन द मैंस राइट कोट पॉकेट, और राइट कोट में उसका एक हाथ था जो कि रेस्टलेस था, वो कुछ मतलब हाथ को अंदर हिला रहा था कुछ। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, उसे बहुत ही गुस्सा आता है, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड, बट वह एक अंदर से अंतरात्मा की उसकी आवाज़ आती है, वो बोलती है बी स्टिल, कि शांत रहो। ही रोट ऑन द नोटपैड, उसने नोटपैड पे लिखा, कौन ओनर ने, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट द रे एंड स्माइल, पहली बार उस ओल्ड मैन ने रे की आंखों में डायरेक्टली देखा और स्माइल किया, अ क्रूएल मॉकिंग स्माइल, एक क्रूएल मॉकिंग स्माइल थी। दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वॉज देयर, दोनों समझ गए कि वह वहाँ पे क्यों था। व्हाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, कि उसका जो दोस्त है वो डोर पे ही क्यों था। दे लुक्ड लाइक मेन हु वर डाउन ऑन दियर लक, डाउन ऑन दियर लक मतलब जिनका दिन खराब चल रहा हो या जिनका लक जो है सही नहीं चल रहा हो, तो वे ऐसे आदमी दिख रहे थे कि उनका जो है लक जो है बहुत खराब चल रहा है। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और वह उसकी वह काम करने के लिए रेडी हैं कि जिसके लिए उनको बाद में पछताना पड़े। अब उसके बाद क्या होता है कि रे नोज दैट हिज विजिटर आर नीड, रे को पता चल जाता है, वो जान जाता है कि जो विजिटर्स हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, उसने एक ओल्ड वॉच जो है एक्सचेंज किया, अपने पास एक ओल्ड वॉच रखा उन विजिटर्स से और उनको एक अच्छा पैसा दिया। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मेरी क्रिसमस, जो एक मैसेज था पीस और गुडविल का वो मैरी क्रिसमस का फैल गया। द क्लॉक टिक्ड ऑन, क्लॉक की आवाज़ होती है, क्लॉक टिक्ड ऑन चल रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने दूसरा मैसेज, शांति से दूसरा मैसेज लिखा, हैव यू कम टू पिकअप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप कोई एक क्लॉक या वॉच पिकअप करने आए हो, लेने आए हो। क्लॉक यानी कि जो वॉल वॉच होती है, जो वॉल पर लगती है घड़ी, दीवार घड़ी, ठीक है, वॉच यानी हम जो पहनते हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल विद हैंगिंग क्लॉक्स, उसके बाद रे ने लोन बोर्ड के साइड पॉइंट करते हुए बोला, देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड, तो रे ने उसके बाद लोन बोर्ड के साइड पॉइंट किया जिसमें क्या था, हैंगिंग क्लॉक्स थी, ठीक है, एंड पॉकेट वॉच, जिसमें पॉकेट वॉचेस भी हैंग कर रही थी। ही वॉज नॉट अ पान ब्रोकर, पान ब्रोकर यानी जो पैसे देते हैं, ठीक है, यानी सूद पे जो पैसे देते हैं, यानी अगर आपको 100 देंगे तो मे बी एक महीने बाद 110 और लेंगे, ठीक है। तो जो पान जो ओनर था वो पान ब्रेकर नहीं, ब्रोकर नहीं था, बट एट द सेम टाइम कुड नॉट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस दियर ओल्ड वॉच और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, बट उसी टाइम वह नहीं भी नहीं कर सकता था उन ज़रूरतमंद लोगों को जिस जो अपनी ओल्ड वॉच या क्लॉक्स उसके सामने रखते थे, ठीक है, और उनके लिए कुछ उनको पैसे की ज़रूरत होती थी, ठीक है, या कुछ भी उन वॉच या क्लॉक की जगह उनको कुछ मिल सकता था। ही लोन मोर देन ही शुड यानी वो जितना देना चाहिए था उससे ज़्यादा देता था, यानी कि अगर कोई चीज़ आप दे रहे हो 100 की, वो आपको 110 देता था, ठीक है, वो ज़्यादा ही देता था। ऑन रे दे वुड बी देयर वेन द ओनर्स वॉन्टेड देम बैक, और वो सामान जो आप यानी जो क्लॉक या वॉच देते थे वो चीज़ें वहीं पे पड़ी रहती थी, यानी कि उसी के पास रहती थी जब आपको चाहिए होता था, कि दे वुड बी देयर, आप वहीं पे रहेंगी, वेन द ओनर्स वॉन्टेड देम बैक, अगर ओनर उनको फिर से चाहता हो। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और सेम प्राइस पे वो रे उनको दे देता था बिना किसी इंटरेस्ट का, यानी कि आप वो 100 रुपये का आपने लिया पैसा, 100 रुपये लिया, 100 डॉलर्स उससे लिया, एक वॉच आपने वहाँ पे रख दी। अब एक साल बाद आप आए यहाँ पे किसकी, रे की क्लॉक की शॉप पे, वहाँ आपकी जो वॉच थी वहीं पे पड़ी रहेगी, आप $100 पे करो, इसको रिटर्न करो, फिर क्लॉक अपनी ले जाओ बिना किसी इंटरेस्ट का। देन दी ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर, अब इसके बाद जो ओल्डर मैन था उसको थोड़ा सा आसानी हुई, जो डरा हुआ था अभी तो सर नॉर्मल फील करने लगा। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से हाथ बाहर निकाला, एंड क्विकली लुक एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और उसकी रिस्ट पे यानी कलाई पे जो वॉच थी वो देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, आप मुझे इसके लिए कितना पैसा दोगे। द मैन रोट, तो उस आदमी ने लिखा जो आया था। रे नोटिस्ड अ लिटिल
शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। तो रे ने उनकी आंखों में, उनकी ग्रे आईज में एक उनकी साइड देखता है, यानी जो जो आया था शॉपर के साइड देखता है, तो उसे शेम दिखाई देगा। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, जो वॉच थी वो कोई स्पेशल नहीं थी, एंड इट हैड ग्रेट पावर्स, बट उसमें कितना पावर था कि उसने इस सिचुएशन को कहाँ से कहाँ कर दिया। इट यहाँ पे कहने का द सेंस है ग्रेट पावर का मतलब, यानी कि वो लोग आए थे उनके, इसके पास क्या था, पिस्टल भी था, यहाँ पे गन उसने देखा था, यानी कि इस ऐसे कंडीशन में थे, इनको पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, अदरवाइज ये कुछ भी कर सकते थे। तो एक इस वॉच से ही, इस जो रिस्ट पाना था इसने, इतना पावर थी कि इसने सिचुएशन को ही बदल दिया। तो यहाँ पे वही करने का दिस, इट हैड ग्रेट पावर, इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अवे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, यह कुछ ऐसा था एक्सचेंज करने के लिए, अवे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, जिससे एक बैड सिचुएशन से बाहर आने का तरीका था। नोविंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड। तो जब रे को पता चलता है कि वह बहुत ही खराब, ग्रेट नीड, बहुत सख्त जरूरत है, यानी रे को पता चलता है इस आदमी को किसी चीज़ की बहुत ही सख्त जरूरत है, इसलिए वो फर्स्ट प्लेस इसकी शॉप पे आया है। तो रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, इसके लिए, इस वॉच के लिए तुमको कितना चाहिए। द रिप्लाई केम बैक टू द नोट बैक ऑन द नोट पैड, वॉट एवर इट्स वर्थ। तो आंसर इसने लिखा कि वॉट एवर इट्स वर्थ, इसकी जितना कीमत होगी। रे रीच्ड इन टू हिज कैश बॉक्स, रे अपनी कैश बॉक्स जो था वहाँ पे पहुँचा, पुल आउट अ $50 नोट, उसने एक $50 की नोट निकाली, एंड पास इट इन टू द मैंस हैंड, और उसको इस आदमी के हाथों में दे दिया। एज दे शूक हैंड्स, उन्होंने दोनों ने हाथ मिलाया, रे लुक इन टू द मैंस आई, रे उस आदमी की आंखों में देखता है, दे सीम टू से थैंक, ऐसा प्रतीत होता था वो थैंक्स कहना चाहते हैं। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, वो दोनों जानते थे कि जो वॉच थी उतने की नहीं थी, उतने पैसों की नहीं थी जितना कि उसने दे दिया उनको। बिफोर टर्निंग टू लीव, टर्निंग टू लीव यानी जाने से पहले, द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन, मैं जितना जल्दी हो सकेगा, जितना जल्दी मुझसे हो सकता है उतना जल्दी इसको पिकअप करने के लिए आऊँगा। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टूगेदर, स्ट्राइकिंग ऑल टूगेदर मतलब एक ही जगह पे स्ट्राइक करना। तो लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टूगेदर, यानी आधे घंटे में स्टोरी एंड हो जाती है और सारी क्लॉक्स जो एक ही जगह स्ट्राइक करने लगती हैं। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। यहाँ पे टाइम पीस का मतलब है कि जितनी भी क्लॉक्स और वॉचेज वहाँ पे थी, जो भी यानी इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे टाइम बता रहे थे, यहाँ पे सारी की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि जो लिटिल स्टोरी थी यहाँ पे ख़त्म होती है जब वो लोग आते हैं, सारा अपना बातें करते हैं, कन्वर्जेशन में टोटल आधा घंटा लगता है, फिर सारी क्लॉक्स की जो क्लॉक्स थी वो स्ट्राइकिंग करने लगती हैं, बजने लगती हैं। टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंट, अभी तक ऑल द व्हाइल मतलब अभी तक, स्टार्टिंग से जो अभी तक शांति से सब कुछ देख रही थी, रैंग आउट द टाइम विच सच फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग के साथ वो बजने लगी, दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, यानी कि रे भी अभी उसको सुन सकता था। डियर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, उनकी स्वीट और म्यूजिकल मैसेजेस वाज फिल्ड विद होप, एक होप के साथ भरी थी। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुड विल टुवर्ड्स ऑल वाज फिल्ड बाई थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। अब देखो इसको पूरा, सबसे पहले इसको पूरा समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि हमने देखा आधे घंटे में स्टोरी ख़त्म हुई और क्लॉक जो है स्ट्राइकिंग करने लगी, फिर से जो टाइम पीसेस थे, जितने क्लॉक वॉचेस थी जो कि अभी तक साइलेंटली इन सब जो हो रहा था उन सामने वो सब देख रही थी, रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग के साथ बजने लगे कि रे भी सुन सकता था। तो क्या सुन सकता था वो मैसेज, क्या था, दियर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, उन घड़ियों का स्वीट और म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, एक होप से भरी हुई थी, इस उम्मीद से भरी थी कि वो बोला है कि आई विल बी बैक सून, एक उम्मीद के साथ थी कि वो कमा पाएगा $50 और वो आएगा। टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, जो टाइमलेस मैसेज था पीस ऑन अर्थ पे, पृथ्वी पे शांति का। द गुडविल टुवर्ड्स ऑल, सारे लोगों के प्रति गुडविल, अच्छी मतलब सारे लोगों के प्रति अच्छी भावना, वॉज फिल्ड बाई थ्री मैन, उन तीनों आदमी के द्वारा फील किया जा सकता था, महसूस किया जा सकता था, हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो उस ओल्ड क्लॉक शॉप में खड़े थे, ठीक है।